बढ़ते आगे और बात करेंगे कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की बैठक ली, तो उधर बीजेपी ने युवा मोर्चा की बैठक की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी ने पहली बार किसी की बैठक की है। इस बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के अलावा दूसरे पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक के बाद यूथ कांग्रेस की भी बैठक हुई। विधायक विक्रांत भूरिया के अलावा जीतू पटवारी और पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। निश्चित तौर से ये जहां संगठन की मजबूती को देखने के लिए है, वहीं विधानसभा चुनावों के बाद अब महिला कांग्रेस और अन्य मोर्चा संगठनों को किस तरह से आगे लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों से है जो सीधे सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं। निश्चित तौर से महिला कांग्रेस अब इन सब चीजों को समझ भी रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का ये मानना है कि महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें महत्व देना और उनके साथ सही तरीके से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर जो परिणाम आए थे वो काफी निराशाजनक थे, पर अब जो परिणाम है उनको पीछे रखते हुए एक नई शुरुआत करते हुए वापस से एक नया संघर्ष आपको देखने मिलेगा और एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ वापस मैदान में हम उतरेंगे। उधर बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में युवा मोर्चा की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के साथ युवा मोर्चा के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन हुआ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक तरफ विधानसभा चुनाव की हार को भूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों को जीतने के लिए तैयारियां कर रही है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिले करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा पीढ़ी परिवर्तन हुआ। कमलनाथ के बाद युवा चेहरा जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे काम करेंगे। युवा टीम के सामने चुनौती बड़ी है। उधर बीजेपी का मानना यह है कि कांग्रेस में बिखराव के रूप में बदलाव देखने को मिलेगा। ...2018 में कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और इसका नतीजा भी निकला। कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी लेकिन टिक नहीं पाई। वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 29 में से केवल एक सीट ही जीत पाई। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। अब जबकि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव किए हैं। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी चुनौती वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करने की होगी। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष का मानना है कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन ये जो टीम नई बनाई है ये सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं ने इन सब नामों को प्रपोज करके हम लोगों को आगे आशीर्वाद दे करके बढ़ाया है। और चूंकि कोऑर्डिनेशन में पहले भी कमी नहीं थी और आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा वो लोग बड़े जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे साथ है पूरे समय, सड़क हो चाहे सदन हो, वो लोग हमारे को ताकत देने के लिए तैयार हैं और हम लोग उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनसे हर सलाह मशवरा लेकर के, समय समय पे मार्गदर्शन लेकर के जनता के बीच में उतरेंगे, जनता के विषयों को सदन पर भी उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे। कांग्रेस भले एकजुटता का दावा कर रही है लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में गुटबाजी और बढ़ेगी। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में बिखराव दिखेगा। भारतीय सेना में कई बार आप लेफ्ट राइट करते हुए कदम ताल करते हुए नजर आते होंगे। कदम ताल सामान्य प्रैक्टिस में क्यों करते हैं? इसलिए ताकि सामूहिकता से चलने का अभ्यास हो। जिनको सामूहिकता से चलने का अभ्यास ही नहीं है वो नारों से, वादों से, बयानों से, भाषणों से सामूहिक रूप से समन्वय के तौर पर नहीं चल सकते, उनकी कार्यशैली ही नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था जब कमलनाथ जी को हटाया गया था
और जीतू पटवारी जी को बनाया गया था कि कांग्रेस अब पूरी तरह से बिखराव की ओर है, विखंडन की ओर है, आने वाले समय में इस पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त होने के बाद फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पार्टी संगठन ने कोई भूमिका तय नहीं की है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, अरुण साव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नाम भी प्रदेश में हैं। और छिंदवाड़ा में बीजेपी में आपसी घमासान छाया हुआ है। सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने शिकायत की है कि चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बता दें कि यह विवाद फेसबुक पोस्ट से बढ़ा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी, जिला संगठन और मुझे एक षड्यंत्र रचते हुए बदनाम करने का प्रयास छिंदवाड़े में किया गया। उसमें हमारे कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के पांचों भाजपा के प्रत्याशी, हमारे संगठन के तीनों महामंत्री और बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है और संगठन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेगा। रतलाम में एक 2 साल के मासूम को फिल्मी स्टाइल में अगवा करने की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़ पड़े और ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया, बच्चे को मुक्त करा लिया और फिर जो का यहां अपहरणकर्ताओं का सेवा पानी ग्रामीणों ने किया है, तस्वीरें उसकी कुछ सामने भी आई हैं। अपहरणकर्ताओं की जमकर पिटाई की ग्रामीणों ने। पुलिस के मुताबिक आरोपी गर्लफ्रेंड को एक बच्ची देने के लिए उसका अपहरण करके ले जा रहा था। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। महिला अपने 2 साल की बच्ची के साथ में हैंडपंप पे कपड़े धो रही थी, उसी समय पे कुछ बदमाशों के द्वारा जो है वो बच्ची को लेकर कार में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। उसमें जो है वो महिला की सजगता से तत्काल उसका पीछा करते हुए बाजना पुलिस को फ़ोन भी किया और तत्काल कंट्रोल रूम के पॉइंट चलने के बाद में जो एक बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया था जहाँ पे जो है वो बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तीनों बदमाश पुलिस की हिरासत में है, बच्ची सुरक्षित है। और इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। एक शख्स ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को पहले तो डंडों से पीटा और उसके बाद लात मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। आरोपी राकेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया और बताया यह जा रहा है कि बुजुर्ग ने कुत्ते पाले हुए थे और कुत्ते किसी वजह से भौंक रहे थे। पड़ोसी राकेश गोयल को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिस पिटाई से उसकी मौत हो गई। इंदौर के शांतिनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरों का 2020। एमपी में कल होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय। कल दोपहर 3 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद एक्शन में जीतू पटवारी। आज महिला और युवा कांग्रेस की बैठक ली, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक, प्रदेश स्तरीय बैठक में वीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहे मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। धार में विधायक बंगले के बाहर से बाइक चोरी का मामला आया सामने, सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वारदात की तस्वीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में एटीएम लूटने वाला अंतर्राज्यीय गैंग, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट की रकम भी की बरामद। एटीएम काट कर वारदात को दे रहे थे अंजाम। ग्वालियर में पुलिस ने हथियार तस्कर को धर दबोचा। आरोपी से 6 देसी पिस्तल और कारतूस बरामद। खरगोन से हथियार लेकर ग्वालियर में कर रहे थे सप्लाई।
अनूपपुर में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद, कनु प्रिया अग्रवाल ने महिलाओं को किया प्रेरित, कहा महिलाओं को भी होना चाहिए आत्मनिर्भर। सागर में रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना, चार वाहनों की जोरदार टक्कर, गाड़ियों के उड़े पर खर्चे, दुर्घटना में दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में रिश्तों का कत्ल, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मोबाइल पर किसी अन्य शख्स से बात करने के चलते की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी बैंक की कई शाखा में धोखाधड़ी, नकली सोना गिरवी रखकर धोखाधड़ी का मामला, नकली सोना पर 2 करोड़ का लोन लिया, ऑडिट के दौरान जेवरात की जांच के बाद खुलासा हुआ। शिवपुरी में व्यवस्थाओं की खुली पोल, अस्पताल के बरामदे में कराया गया महिला का प्रसव। कोहरे के चलते सड़क हादसा, आगे जा रहे डंपर में घुसा कंटेनर, कंटेनर चालक हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रतलाम में महिला को जिंदा जलाने का मामला, घटना का वीडियो आया सामने, रॉड लेकर खड़ा रहा आरोपी जेठ, आसपास के लोग बचाने भी नहीं आए। छतरपुर में मजदूर की मौत, रेत की खदान धंसने से एक मजदूर की मौत, रेत निकालते समय हुआ हादसा, ग्रामीण ने मजदूर का शव निकाला। मुरैना के आरक्षक पर हमला, SAF के आरक्षक पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने बस ड्राइवर को क्लीनर को मारी टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत। रीवा में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग, देखते देखते धू धू कर जलने लगी कार, आग लगने का कारण अज्ञात। इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या, युवक ने 70 साल की बुजुर्ग को डंडे से पीट पीट कर मारी लात, आरोपी शख्स गिरफ्तार। सतना में स्कूल से लापता छात्र को पुलिस ने खोज निकाला, पुणे से पुलिस ने छात्रा को किया बरामद, शादी का झांसा देकर गए पुणे लेकर गए थे दो युवक। अभिनेता शिवा रंधानी पहुंचे खरगोन फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में, फरवरी में शुरू होनी है शूटिंग। और इस बीच बड़ी खबर, उज्जैन में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड, 3 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे दर्शन करने के लिए, कर्मचारियों को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, आज बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। उज्जैन से एक रिकॉर्ड टूटने की जानकारी मिल रही है, ये देखिए बाबा के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु और बाबा का दर्शन करने के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे हैं, उज्जैन से बड़ी खबर। और MP अब तक में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द आओ।